मुरैना जिले के जोरा थाने के अंदर जबरदस्त विस्फोट हो गया जिसमें दो आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है, जिसमें आरक्षक जितेंद्र गुर्जर की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस घटना से पहले जोरा पुलिस ने रामनगर इलाके से कुछ अवैध पटाखे जब्त कर लाई थी। आरक्षक जितेंद्र गुर्जर व आरक्षक गुंटू राम इन पटाखों के बोरों को थाने के पिछले हिस्से में रख रहे थे, तभी अचानक विस्फोट हो गया जिसमें ये दोनों आरक्षक घायल हो गए। थाना जोरा में रामनगर क्षेत्र में थाना प्रभारी जोरा के द्वारा कुछ अवैध पटाखे प्लस पटाखे बनाने की सामग्री जब्त की गई थी, जिसको वो लेके थाने पर आए। थाने पर आंगन में उसको रखा हुआ था, तो कुछ पटाखों में रखने में या उनमें आपस में कुछ टकराव हुआ होगा, जिससे घर्षण वगैरह से विस्फोट हुआ, जिसमें वहाँ पास में खड़े हुए हमारे 2-3 कर्मचारी जख्मी हुए हैं। इसमें आरक्षक जितेंद्र गुर्जर है उसको थोड़ा चोट ज़्यादा है, गुंटू राम और विकास को भी चोट आई है पर कम है, तो उनको इलाज के लिए भिजवा दिया गया है। और जो जिससे पटाखे जब्त किए गए थे, नरेश पुत्र सिद्धार्थ खां है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, अपराध पंजीबद्ध कर लिया है विस्फोटक अधिनियम में। इसमें कोई आम आदमी घायल हुआ है? नहीं, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है, पर हम जानकारी ले लेते हैं।